السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ले मन का नजर जल्ला वलिय मल्लाखिर वज़ा करसर रब शाहली सदरी वसरीली अमरी वाहमसानी कौली रबन सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों ज़िंदगी के लिए आज के इस दर्स का मौजू है हम जिंदगी के तमाम शबों में महमदुर रसूल सल्हस को अपना वसवा कैसे बनाएँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि महमदुर रसोल्ला सल्हम के ववा इसका माना यह होता है कि हम नमाज नबी सल्लिम के तरीक़े पर पढ़ लें रोज़ा नबी सल्लम के तरीक़े पर रख लें ज़क़़त नबी सल वसलम के तरीक़े पर दे लें यही वसवा और नमूना है इतना ही काफ़ी है हमारे लिए जबकि अल्लाह रबालमिन ने क्या, क्या फरमायासना तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूल सल्म की पूरी जिंदगी नमूना है यानी जिंदगी के हर शबे में जब तक हम मोहम्मद रसूल सल वसम की पैरवी नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते अल्लाह रब्लम ने इशाद फरमाया कुल तुम तो हिब्बू गफ़ुर अगर अल्लाह से महब्बत करते हो तो महम्मद रसोल्ला की इतबा करो आपकी पैरवी करो आप के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो ये जो आयत करीमा सूरत लाज़ाब की है इसकी तफसर में मुफसरीन ने लिखा है कि महमदु रसोल सल्ला के अकवाल अफ़ाल औरवाल तमाम चीज़ों को हमें अपने लिए नमूना बनाना है आपने जो कुछ कहा जो कुछ किया जैसी ज़िंदगी गुजारी हमें वैसी ही ज़िंदगी गुजारनी है जब तक ज़िंदगी के तमाम शबों में हम महम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम को अपना वसुआ नहीं मानेंगे जो बातें हमारे मिजाज के मुताबिक है उसको हम मानेंगे और जो मिजाज के ख़िलाफ़ उसको नहीं मानेंगे तो ये महम्मद रसोल्ला सल्ला वसम की इतबा का हक़ अदा इस तरह नहीं हो सकता चंद बातें मैं आपके सामने पेश करता हूँ सदंतमिज़ी की रवायत है जंग खैबर का मौका है जंग खैबर का मौका है सहाब रसूल बयान करते हैं कि हमने महम्मद रसोल्ला सल्ला वसल् से जंग खैबर के मौके पर भूख की शिकायत की अल्लाह के पैगम्बर हम भूख से तड़प रहे हैं हमारे पेट बिल्कुल खाली हैं और हमने अपने पेटों पर एक एक पत्थर बांध रखे हैं महम्मदरसूल्ला वसल् ने अपना पेट खोल कर दिखाया दो पत्थर बदे हुए थे सुलत रिमजी की रवायत है हसन दर्जे की रवायत है तो अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर ताजर है करने वाला है तो उसे चाहिए कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मक्का के ताजर और मदीना के ताजदार की हैसियत से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि ने नबी होने से पहले तजारत की अम्मा खदीजा रजील्ला के साथ आपने आपनेजारत की है नंबर दो अगर कोई शख्स गरीब है मुफलिस है तंग दस्त है बदहाल है तो उसे चाहिए कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उन हालात को पढ़े जब आप शेब अभी तालिब में बनु हाशिम और बनु अब्दुल तलब के साथ महसूर थे आपके खानदान का सोशल बाईकाट कर दिया गया था लोगों ने आपसे लेना देना ताल्लक़ात सारी चीज़ें तोड़ दी थी नंबर तीन अगर कोई शख्स बादशाह है बादशाह उसको मिली हुई है तो उसे चाहिए कि मोहम्मद रसूल सल्लाम की जिंदगी को सुल्तान मदीना की हैसियत से पढ़े आप सल्ला जब मदीना गए और मुसलमानों के आप बादशाह हुए मुसलमानों के इमाम हुए और जिस तरीके पर आपने ज़िंदगी गुजारी उस तरीके पर वो ज़िंदगी गुजारे नंबर चार अगर कोई शख्स फातह है किसी मुल्क को किसी शहर को किसी इलाक़े को फ़तह किसी ने किया है तो उसे चाहिए कि अपनी ज़िंदगी फातह मक्का मोहम्मद रसूल वसलम की हैसियत से गुजारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उन हालात को पढ़े जब आपने मक्का को फतह किया और उस मौके पर आपने किस तरह का बर्ताव लोगों के साथ किया नंबर पांच अगर कोई सिप साल मैदान जंग में शिक्स खुरदा हो गया है लड़ते लड़ते बाजी हार गया जंग में उसको शिकस्त हासिल हो गई यानी शिकस्त खुरदा हो गया तो बस उसे चाहिए कि मोहम्मद रसूल के गजवे ओहद के हालात को पढ़ ले नंबर छ अगर कोई शख्स मुअल्लिम या उस्ताद है, है कोई शख्स अगर मुअल्लिम या उस्ताद है तो उसे चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अब सुफा के मुअल्लिम की हैसियत से पढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफा को किस तरह तालीम दिया करते थे उनकी कैसी तरबियत किया करते थे अगर कोई शख्स तालब इल्म या मुतम है तो उसे चाहिए कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रूहुल अमीन यानी जबरी के सामने जानव तलम तय करने की हैसियत से पढ़े जैसा कि कुरान मजीद में रब्बीन ने फरमाया लाया तो हर बही लसान जमा क़ुराना फ़ैदा क़राना फतबर इस तरह की जो आयात हैं मोहम्मद वसल्लम के बारे में उनकी तफसीर पढ़े और उनके मान व मफहम पर गौर करे उस परमल करने की कोशिश करे इसी तरह से अगर कोई शख्स यकीनी की ज़िंदगी गुजार रहा है अगर कोई शख्स यतीम है तो उसे चाहिए कि आमिना के यतीम की यतीमी को पढ़ ले मोहम्मद रसोल दुर्रय यतीम थे आपके बाप का भी इंतकाल हो गया आपकी पैदाइश से पहले और बचपन में आपकी माँ भी फौत हो गई इसी तरह से अगर कोई शख्स बाप की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा है कोई शख्स बाप है और बाप की हैसियत से नबी बीकर का तलाश करना चाहता है तो उसे चाहिए कि इब्राहिम रजी रुकैया जैनब और फातिमा रजी के वालिद की हैसियत से आप वसल्लम की जिंदगी को पढ़ ले कि आपने किस तरह बाप हक अदा किया इसी तरह से अगर कोई शख्स शोहर की हैसियत से नबी उसवा मालूम करना चाहता है तो उसे चाहिए कि मोहम्मद वसल्लम की जिंदगी को ग्यारह बीवियों मसलन खदीजा सौदा आयशा हफ्सा और उम्म सलमा रज़ील् तह के शोहर की हैसियत से पढ़ लें ये महम्मद रसोल वसलम का अंदाज़ ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का उसलूब जो था आपका मुख्तफाल्मजा बीवियों के साथ वो पढ़ लें उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस तरह की ज़िंदगी बाहसीत शोहर गुजारनी है इसी तरह से अगर कोई खसर है उसके पास दामाद है कोई खसर है अगर तो उसे चाहिए कि महम्मदी की जिंदगी को अबुल आस अली तालिब अबुलआस रजील् तैयार और उस्मान गनी रजील् तैयार की खुसर की हैसियत से पढ़ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके खुसर थे आपका इनके साथ ताल्लुक कैसा था आपका इनके साथ उसने सलूक कैसा था आपका इनके इनके साथ बर्ताव सारी चीज़ें मौजूद है इसकी किताबों के अंदर सीरत की किताबों के अंदर मौजूद है सारी चीज़ें इसी तरह से अगर कोई शख्स दामाद है कोई शख्स दामाद की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना चाहता और दामाद की हैसियत से उ रसूल मालूम करना चाहता है तो उसे चाहिए कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अबू बकर सिद्दीक और उम्र फारूक रजील्ल्ला के दामाद की हैसियत से पढ़े कि आपका ताल्लुक अबू बकर सिद्दीक के साथ कैसा था आपका ताल्लुक उम्र फ़ारूक रजील्ल्ल तु के साथ कैसा था ये सारी चीज़ें भी आपको सीरत और हदीस की किताबों के अंदर मिल जाएंगी आखिरी बात यह कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर जज या मुनसिफ की हैसियत से है जज या मुनसिफ के मनसब पर फाइज है तो उसे चाहिए कि कबीले मखजूम की चोरी करने वाली खातून के बारे में जो लोग सिफारिश कर रहे थे उसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तारीखी जुमला बयान किया था उसे पढ़ ले लो अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा ऐ लोगो सुन लो ये तो बनई मखजूम की फ़ातिमा है अगर फातमा बिनत मोहम्मद भी इस जगह पर होती मैं उसका हाथ भी काट देता यह इंसाफ का तकाजा था मोहम्मद रसोल्म ने सिफारिश कबूल नहीं की कि बनी मखजूम की औरत मालदार खानदान की है तो उसको छोड़ दिया जाए गरीब खानदान की औरत हो तो, तो उसके हाथ काट दिए जाए आपने क्या कहा लो अन्ना फ़ातिमा तिन तहमद इन सरअत ल अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो दिया। 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 मैं मुनसिफ होने की हैसियत से यही फैसला करता कि उसके हाथ काट दिए जाएं। ये चंद बातें मैंने बतौर मिसाल के जिक्र की हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि सिर्फ मस्जिद में मुसलमान रहो मस्जिद से बाहर निकल जाओ इस्लाम से आज़ाद हो जाते कहीं हम आज़ाद नहीं होते हैं हमने जब कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद हमने ये भी कह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी महम्मद रसोल्लासम के तरीके पर गुजारें अल्लाह से दुआ है कि रब्आलमिन हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी फरमा पूरी ज़िंदगी महमदुर रसोल्ला वसलम के तरीके पर गुज़ारने की तोफ़ी फरमा और ईमान के साथ मोतर फरमा करीम वरिम ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए ज़रिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाक जजाकल्लान